कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अफसरान के 35 रुकनी वफद ने ब्रिगेडियर सैयद अख्तर हुसैन शाह की क्यादत में लाहौर चैम्बर का दौरा किया है। इस मौके पर उनका क्या कहना है, दौरे का मकसद क्या है, शहजाद खान बता रहे हैं। आज ही कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 35 रुकनी वफद ने ब्रिगेडियर रिटायर सैयद अख्तर हुसैन शाह की क्यादत में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने ऐवान सनत व तजारत के सदर अब्दुल बासत, साबिक सदर सुहेल लाशारी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मियां जाहिद हुसैन, इसके अलावा दीगर कारोबारी शख्सियात से जो है वो मुलाकात की। इस मुलाकात में लाहौर चैम्बर का जो मुल्की मईशत की बहाली में सनतों को फ़रोग देने के हवाले से और सोशल कॉरपोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके हवाले से इस वफद को ब्रीफिंग दी गई। लाहौर चैम्बर के सदर अब्दुल बासत का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि लाहौर चैम्बर सनत के तमाम शोबों को फ़रोग देने के लिए जो है वो इकदाम कर रहा है। उनका कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। अब्दुल बासत का मजीद कहना था कि टेक्सटाइल शोबे की जो बरामदात में कमी देखने में आ रही है उसकी दो बड़ी वजूहत हैं, उसमें सबसे पहली जो है वो पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा होना है और इसके अलावा वैल्यू एडिशन में जो है वो कमी देखने में आ रही है। अब्दुल बासत का मजीद कहना था कि लाहौर चैम्बर इलाकाई तजारत को फ़रोग देने के लिए जो है वो इकदाम कर रहा है। कमर्शियल काउंसलर्स के साथ मिलकर ये कोशिश की जाती है कि पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं उनको बैन अक्वामी मंडियों में मुतारफ़ करवाया जाए। इसके अलावा लाहौर चैम्बर अपनी सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी भरपूर तरीके से जो है निभा रहा है। लाहौर चैम्बर के साबिक सदर सुहेल लाशारी का कहना था कि इस वक्त जो है वो एग्रीकल्चर को बचाने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी सनत है वो टेक्सटाइल हो या कोई और सेक्टर हो, तमाम के तमाम का जो रॉ मटेरियल। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अपडेट करने के लिए।